वो ये है कि पहले हमें डाउनलोड करना होगा पाइथन। पाइथन में ना डिफरेंट इनके वर्जन्स वगैरह हो, सो वी जस्ट नीड टू डाउनलोड। जब हम विंडोज़ में आएंगे यहाँ पे क्लिक करेंगे तो हमें सिर्फ इसको डाउनलोड करना है, लेटेस्ट पाइथन 3 रिलीज 3.9। मतलब मैं भी साथ साथ करते रहता हूँ। एग्जैक्टली, आप साथ साथ करते रहें। तो यहाँ से नीचे आएंगे तो हमारे पास ना इसकी सोर्स फाइल आ रही होती है विंडोज़ पे। यहाँ पे एग्जीक्यूटेबल पैकेज होता है जिसको हम कहते हैं एम्बेडेड पैकेज 64 बिट, और ये विंडोज इंस्टॉलर। हमने इसको बाद में करना होगा, लेकिन पहले हम इसको क्लिक करेंगे विंडोज इंस्टॉलर को। आपने इसको क्लिक कर देना है तो आपके पास ये डाउनलोडिंग इसकी स्टार्ट हो जाएगी। अच्छा, ये डाउनलोड्स में ही है। ये डाउनलोड्स के अंदर ही जाएंगे। डाउनलोड्स में जाके विंडोज को क्लिक करेंगे। विंडोज पे क्लिक करने के थ्री बाद पॉइंट ठीक है, थ्री 9.4 डॉट एंड स्क्रॉल डाउन करेंगे तो हमारे पास लास्ट में ही ऑप्शन आ रही होगी विंडोज इंस्टॉलर 64 बिट। ठीक है, डन इसके बाद हम लोगों को जो चीज रिक्वायर्ड होगी वो होगी पाइचाम। ठीक है। पाइचाम पे जो हमारी रिक्वायरमेंट्स हैं वो कुछ इस तरह होती हैं कि हम डाउनलोड्स पे यहाँ पे क्लिक करते हैं, एंड क्लिक करने के बाद हमारे पास यहाँ पे ड्यूल वर्जन्स आ रहे होंगे। सो हमने कम्युनिटी वाले को डाउनलोड करना है, ठीक है, कम्युनिटी वाले को डाउनलोड करना है। यहाँ पे ना आपके पास प्रोसेसिंग पावर आ रही होगी। वैसे ये मैकिंटोश में आती है, विंडोज में आई डोंट थिंक के विंडोज में कोई प्रोसेसिंग पावर नहीं है। अगर आपके पास मैकिंटोश है तो नहीं, मैं उसमें आपको विंडोज ही हूँ। प्रोसेसिंग पावर होगी, तो उसके अकॉर्डिंग इसको डाउनलोड करना है। तो हमें कम्युनिटी वर्जन जो है वो डाउनलोड करना है। ठीक है, ठीक हो गया। जब हम इसको डाउनलोड कर लेंगे तो इंस्टॉलेशन करने के बाद हम लोगों के पास कुछ इंटरफेस इस तरह आएगा इसका। मैं आपको इसका बाय वाला भी प्रोवाइड कर दूंगा जिसमें ना लाइसेंस की है। सो आई एम गोइंग टू प्रोवाइड यू माय लाइसेंस की फॉर द सॉफ्टवेयर जो आपको प्रोफेशनली बाद में रिक्वायर्ड होगा। सो यू डोंट हैव टू बाय एनीथिंग फ्रॉम द जेट ग्रीन। तो ये मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगा, लेकिन प्रैक्टिस के लिए यू नीड टू इंस्टॉल द कम्युनिटी वर्जन सो यू कैन इजीली प्रैक्टिस योर थिंग्स ओवर इट। ठीक है, लेट मी जस्ट गो बैक। और सो हमारे पास ये एक इंटरफेस ओपन हो जाएगा। सो इस इंटरफेस पे हमने सिंपल न्यू प्रोजेक्ट पे क्लिक करना है। इसमें आएगा अच्छा, प्योर पाइथन, प्योर पाइथन आ रहा होगा। सो वी जस्ट नीड टू क्लिक ओवर द प्योर पाइथन। मैं जरा पहले इसको डायरेक्टली डाउनलोड कर लूं कि आप डाउनलोड कर लें, डाउनलोड कर लें। आई एम वेटिंग। I don't have While same click folder. while click on this application like we just made, click over it, click over this arrow and you will find everything that is on. I have include library scripts, but no bin. So you don't have a bin in your system. I don't have a bin folder. Okay, that's weird. Okay. So in the start we don't have any problem without a bin. So but while we are working further we need bin commands. Okay, let me have your anydex in the evening so I will see where is actually the bin is. Okay, so let me then let's Should make I one reinstall it? project. Should I try to No, 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 reinstall no. or? No, no, you don't have to. You don't have to. Because it's a sort of like a glitch with the Windows system that you are using. So we just need to put some settings in the window so it will be totally good. So you don't have, need to Okay. reinstall it. Okay. So while on this application, click right. You will find these options. And then we are going to create a Python file. Python file. So we are going to name it as A for the first, and the file will appear right here besides downside of the virtual environment. So this is the interface that we need.
Now we can go in Urdu as well. I don't mind. That's oh, sure. Why not? Why not? Why not? Urdu mein kar lete hain taki. Theek hai, theek. Okay. So new Python file. Exactly, एक Python file मिल जाएगी जिसको हम ना virtual environment के बिल्कुल नीचे आपको एक नजर आएगी Python file. Actually, virtual environment क्या काम करती है? Bin और libraries. Actually, it's a ये combination होता है of everything जो हम use करेंगे future में. अभी हमें अच्छा सॉरी उससे पहले ये record हो रहा ना सारा exactly ये record हो रहा है ये record हो रहा है. लाइब्रेरीज की फाइल जो होंगी हमें ये चाहिए होंगी अभी के लिए. बिन की फाइल हमें बाद में रिक्वायर्ड होंगी. तो मुझे ना आपका एनीडेक्स का पासवर्ड चाहिए होगा शाम में. फिर हम क्या करेंगे देख लेंगे कि बिन कहाँ पे पड़ा हुआ था, बिन की सेटिंग्स कहाँ पे थी, उनको कहाँ से यहाँ पे वापस लेके आना है, क्योंकि बिन एनवायरमेंट हमें चाहिए ही होगी बाद में. तो अभी लाइब्रेरी तो इसको राइट क्लिक करने से ना हमें एक ऑप्शन मिलेगी जिसको हम यहाँ पे पाइथन फाइल से कनेक्ट कर सकते हैं. सो हमें सिर्फ पाइथन फाइल एक क्रिएट करनी है. तो जब हम पाइथन फाइल क्रिएट करेंगे ना आपको ये वाला इंटरफेस मिल रहा होगा समथिंग लाइक दिस. अच्छा ठीक. तो अभी स्टार्ट के लिए मैं टैब के ऊपर राइट क्लिक करके एग्जैक्टली यहाँ पे राइट क्लिक करेंगे. यहाँ पे राइट क्लिक करेंगे तो आपको एक पाइथन फाइल मिलेगी. न्यू पाइथन फाइल ठीक है. ठीक है तो नेम कुछ भी रख सकते हैं. अभी नेम की कोई वो नहीं है, रिस्ट्रिक्शन नहीं है. अच्छा सो आप कोई भी नेम उसमें रख सकते हैं, कोई भी नेम उसके साथ अटैच कर सकते हैं. अच्छा मैं अपना नाम डाल दूं फर्स्ट क्रैक अभी. आप अपना नाम रख लें. ठीक है ठीक हो गया. अब आपके पास एक फाइल इंटरफेस आ रहा होगा. हाँ जी. अब इस फाइल इंटरफेस से हमने क्या करना है, पहला प्रोग्राम हम लिखेंगे हेलो टू वर्ल्ड. अब इसमें करना कुछ नहीं है, जैसे हम सी में कभी करते थे ना हेडर फाइल्स को ऐड करते थे इंक्लूड एंड ब्ला ब्ला ब्ला. अब हमें इसमें ऐसा कुछ नहीं करना. इसमें हमने सिंपल ये लिखना है प्रिंट ब्रैकेट डबल कोट्स हेलो वर्ल्ड. बस इतना सा सिर्फ लिखना है. और इसके ऊपर वापस यहीं पे ए पे आके दोबारा राइट क्लिक करेंगे तो यहाँ पे कमांड की ऑप्शन आ रही होगी रन ए रन ए. तो रन ए जब क्लिक करेंगे तो आपके पास रन ए होके हमें यहाँ पे लिखा हुआ नजर आ जाएगा हेलो वर्ल्ड. ऐप के ऊपर आ रहे हैं आपने यस पास ली. अच्छा नहीं यहाँ पे आके अच्छा ठीक है रन ए. ठीक है आपके पास लिखा हुआ आ जाएगा हेलो वर्ल्ड. मेरे पास एरर दे रहा है. फाइल पाथ प्रिंट हेलो वर्ल्ड इंडेंटेशन एरर अनएक्सपेक्टेड एंड व्हाट हैव आई डन आई हैवंट डन इट. तो आपके पास हेलो वर्ल्ड जो है वो लिखा हुआ आ गया होगा. ये मुझे एरर आ रहा है नीचे जो विंडो में ना नीचे वाली विंडो में. वो मुझे आप एरर शेयर कर सकते हैं कि एक्चुअली वो एरर है क्या? उसकी पिक्चर लेके ना मुझे व्हाट्सएप पे सेंड कर दें. शुरू में बताएंगे. क्लियर कितना क्लियर नजर आता है. आपके पास जो इसका एरर आ रहा है ना वो है इंडेंटेशन का अनएक्सपेक्टेड इंडेंट. आपने ना ये स्टार्ट में स्पेस ऐड हो गई है, यहाँ पे स्पेस नहीं आनी. प्रिंट से पहले बैक स्पेस को क्लिक करें. अच्छा
ठीक है, और उसके बाद दोबारा इसको रन करें. हाँ ठीक है, ठीक हो गया. सो यू विल फाइंड योर आंसर एक्चुअली. ठीक है, ठीक हो गया, हेलो वर्ल्ड हमारे पास आ गया. हाँ जी, अब हम एक सिंपल चीज करते हैं जिसमें हम टू डिजिट्स को ऐड कर देते हैं. मैं करता हूँ ए इज इक्वल्स टू 1 + 2, दैट्स इट, और कुछ भी नहीं करना. तो मैं इसको दोबारा रन करता हूँ. तो अब आपके पास ना यहाँ पे ऊपर ऑप्शन आ रही होगी रन की, अगर नहीं भी आ रही तो कोई इशू नहीं है, वहीं पे वापस जाके आप दोबारा इसको क्लिक करें रन को, तो आपके पास ये ऑप्शन आ जाएगी और मैं इसको प्रिंट में ए को सिंपल प्रिंट कर दूंगा. कोई डबल कोट्स नहीं लिखने, कोई कुछ. आपने टू से पहले गैप खुद ही दिया है, डजंट मैटर. हाँ जी, मैंने ए खुद लिखा है. एग्जैक्टली, मैंने ए खुद लिखा है. नहीं, टू से पहले आपने गैप स्पेस है ना. नहीं नहीं, वो अगर आप देते भी हैं तो कोई इशू नहीं है, अगर ना भी दें तो कोई इशू नहीं है. अच्छा, बाद में उसी को एक एग्जैक्टली. तो हमारे पास ना यहाँ पे फाइल्स के ऊपर कोई भी रिस्ट्रिक्शन नहीं है, हम अपनी मर्जी से कोई भी प्रोग्राम क्रिएट कर सकते हैं विदाउट एनी रिस्ट्रिक्शन. मैं साथ साथ ये भी करूँगा कि आपको एक आई क्रिएटेड अ बुक बिफोर लाइक 3 years ago ऑन पाइथन, तो मैं आपको वो भी शेयर कर दूंगा जिसपे ना रूल्स लिखे होंगे छोटे छोटे. ठीक है, अच्छा ये हमारे पास है सिंपल. अब मुझे अगर कोई कैलकुलेटर बनाना है, इफ आई एम गोइंग टू मेक अ कैलकुलेटर, तो मैं सिंपल उसको पहले प्रिंट करता हूँ, प्रिंट कैलकुलेटर. अब मुझे कैलकुलेटर के लिए एक प्लस चाहिए, एक माइनस चाहिए, मल्टीप्लाई चाहिए और डिवाइड चाहिए. तो मैं क्या करता हूँ, एस फॉर सम इज इक्वल्स टू 1 + 5. अभी हम रैंडम वेरिएबल्स ले रहे हैं, कोई इनपुट यूजर से नहीं ले रहे, जस्ट रैंडम वेरिएबल. सब्ट्रैक्शन एस यू या एस बी इज इक्वल्स टू 5 - 1. मल्टीप्लाई एम इज इक्वल्स टू 2. स्टैरिक यानी कि जो 8 पे जो स्टैरिक होता है, शिफ्ट स्टैरिक, मल्टीप्लाई बाय 5. एंड डिवीजन के लिए मैं डी कर देता हूँ इज इक्वल्स टू 5/9. और मैं इन सबको प्रिंट करवा देता हूँ. प्रिंट एस कॉमा एस बी कॉमा एम कॉमा डी, इन सबको एक ही लाइन में प्रिंट करवा दिया. और वापस इसको रन करके देखते हैं उसी प्रोसेस से, तो हमारे पास ये सिंपल सबके आंसर्स यहाँ पे आ जाएंगे. सो कैलकुलेटर 6, 4, 10 and 0.55556. सो हमारे पास ये सब एक सिंपल फॉर्मेट में बनना शुरू हो जाता है विदाउट एनी हेजिटेशन, विदाउट एनी रिस्ट्रिक्शन, विदाउट एनीथिंग, एनी प्रॉब्लम. हम ये सारी चीज़ें क्रिएट कर सकते हैं. वाइल जब हम सी में काम कर रहे होते थे तो हमें हर स्टेप को डिफाइन करना पड़ता था हेडर फाइल्स के साथ, दूसरी फाइल्स के साथ इसको अटैच करना पड़ता था. तो इसमें ऐसा कुछ नहीं है, हमें कोई भी फाइल इसके साथ अटैच नहीं करनी होती है, कोई भी फाइल रिस्ट्रिक्शन इसमें नहीं है कि हमें कोई भी फाइल इसके साथ अटैच करनी है या कुछ भी इसके साथ लिखना है. अब हमारे पास ये तो हो गई सिंपल एक वर्किंग हो गई जिसमें हम सिंपली कुछ चीज़ों को ऐड करते हैं, सब्ट्रैक्ट कर देते हैं और उसके साथ अटैच करते रहते हैं. अब कंसर्न आता है कि हम अगर इसी चीज़ को थोड़ा सा वेरिएबल्स में ले जाएं, कि इसमें पाइथन में वेरिएबल्स कैसे इंट्रोड्यूस होते हैं, जिसको हम कहते हैं कि इसके वेरिएबल्स कैसे बनते हैं. हम स्टार्टिंग में जैसे वेरिएबल्स की बात कर रहे होते थे कि कोई भी एक वेरिएबल हो उसको वैल्यू असाइन करते हैं. अब जैसे मेरे पास एस को मैंने वैल्यू असाइन की थी 1 + 5, तो एस मेरे पास एक वेरिएबल का ही कॉन्सेप्ट है. लेकिन अगर मैं अब इसी चीज को कन्वर्ट करता हूँ, लाइक मैं यहाँ पे लिख देता हूँ ए इज इक्वल्स टू, और यहाँ पे मैं लिख देता हूँ अली, तो मेरे पास जो अब पुराने वाला ए है, जो इसके पास मेरे पास जो 3 था, अब वो कन्वर्ट हो जाएगा. मुझे दोबारा इसको प्रिंट ए करवाने की जरूरत नहीं पड़ेगी. अब जहां पे 3 लिखा हुआ है वहां पे अली आ जाएगा. सो आई एम गोइंग टू मेक इट रन, और मैं अब इसको यहाँ पे प्रिंट करवा दूंगा, प्रिंट ए. अब मेरे पास यहाँ पे एक अली भी है और 3 भी है. अब दोनों चीजें मेरे पास एक ही लाइन में प्रिंट हो रही है, तो इसमें जो वेरिएबल की रिस्ट्रिक्शन है वो नहीं है. सो आप एक ही वेरिएबल को बार बार यूटिलाइज भी कर सकते हैं.
इसको कहते हैं विदाउट वेरिएबल विदाउट रिस्ट्रिक्शन. अच्छा, कि हम एक वेरिएबल को डिफरेंट जगह पे यूज कर सकते हैं. तो टेक्निकल तो पहले हमने एक वैल्यू असाइन की थी 1 प्लस. हाँ जी. तो और अब हमने एक असाइन किया अली. एग्जैक्टली. इसमें एक्चुअली ना पता है क्या, रिस्ट्रिक्शंस कुछ नहीं है वेरिएबल के ऊपर. सो हम इसको वेरिएबल विदाउट रिस्ट्रिक्ट बोलते हैं. रेस्ट इसको बोला जाता है, वेरिएबल विदाउट रेस्ट. क्यों? इसकी वैल्यू वो 3 की वैल्यू ओवरराइड हो गई, राइट? एग्जैक्टली. एक के पास 3 की वैल्यू थी, ओवरराइड हो. अब वो ओवरराइड होके वो अली बन चुका है. सो इसको कहते हैं वेरिएबल को ओवरराइड कर देना. सो वेरिएबल ओवरराइड जो है वो बहुत इजीली यूटिलाइज हो रहा होता है. तो इसको वेरिएबल ओवरराइड भी कह सकते हैं, वेरिएबल विदाउट रिस्ट्रिक्शन भी कहा जाता है. लेकिन अगर इसको टेक्निकल टर्म्स में देखा जाए तो इसको हम कहते हैं वेरिएबल डू नॉट नीड एनी डिक्लेरेशन. जिस किसी भी वेरिएबल को कोई भी डेटा टाइप डिक्लेयर करवाने की जरूरत नहीं पड़ती, तो वो अपनी अकॉर्डिंगली अपनी डेटा टाइप खुद से देख सकता है. पहले अगर वो वहां पे सी में कर रहे थे ना, int या var, char या var, वो करने पड़ते, वो हमें यहाँ पे नहीं करने पड़ते. तो ये ऑटोमेटिकली डेटा टाइप उठा लेता है. अभी इसके अंदर कमेंट्स के लिए आप हैश यूज करते हैं. एग्जैक्टली. अगर हमने इस किसी चीज की डेटा टाइप भी देखनी है ना, जैसे ए की मैंने डेटा टाइप चेक करनी है कि इसकी डेटा टाइप क्या है, तो हम प्रिंट टाइप ऑफ ए कर देंगे. तो ये क्या करेगा, एट द यहाँ पे एंड पे हमें ये बता देगा कि अब ए की जो डेटा टाइप है वो स्ट्रिंग में कन्वर्ट हो चुकी हुई है. ओके. क्योंकि पहले जो थी वो इंटीजर थी जो 3 दे रहा था, नाउ अब ए की जो टाइप है वो चेंज होके स्ट्रिंग में कन्वर्ट हो चुकी है. ठीक. क्योंकि जो भी चीज हम डबल कोटेशन में लिखते हैं वो स्ट्रिंग में कन्वर्ट हो जाएगी. अगर इसी चीज को मैं सिंगल कोटेशन में भी लिख सकता हूँ, जरूरी नहीं है कि हम डबल कोटेशन का ही इस्तेमाल करें. लेकिन सिंगल और डबल के अंदर जो डिफरेंस है वो ये आता है कि जब हम डबल कोटेशन की बात कर रहे होते हैं, जब हम किसी डबल कोटेशन की बात करेंगे, इट विल टेक 4 बाइट ऑफ स्पेस जब डबल कोटेशन होगी. और जब सिंगल कोटेशन होगी, इट विल टेक 2 बाइट ऑफ स्पेस. अच्छा. सो दैट्स द डिफरेंस एक्चुअली. सो दैट्स द एक्चुअली डिफरेंस जिसकी वजह से सिंगल और डबल की जो स्पेस है वो यूटिलाइज की जाती है. So डिस्प्ले कराने में कोई डिफरेंस नहीं है. नहीं, डिस्प्ले करवाने में कोई डिफरेंस नहीं है. ये तब आते हैं जब हम लोग exactly, जब हम स्पेस वगैरह वाली साइड पे चले रहे हैं या मल्टीकास्टिंग वेरिएबल वाली साइड पे चले जाएं, तो वो आगे आके हमारे पास वो टाइम आएगा जिसको हम कहते हैं, एक होता है, एक वेरिएबल की टाइप होती है स्नेक टाइप. SNAK स्नेक वेरिएबल. इसमें ना थोड़े से वेरिएबल की उसकी कहने को स्नेक वेरिएबल्स क्या होते हैं, जैसे मैं करता हूँ कि this underscore me underscore v, ये मेरे पास जो वेरिएबल की जो टाइप हो उसको कहते हैं स्नेक टाइप. और इसके आगे मैं सिर्फ अली ही लिख देता हूँ. तो सिंपल, मुझे अगर कोई चीज वापस प्रिंट भी करवानी है तो मैं सिर्फ उसी को ही दोबारा प्रिंट करवा सकता हूँ. दिस को, किसी वेरिएबल टाइप को मैं यहाँ पे वापस प्रिंट करवाऊंगा. तो इसको कहते हैं स्नेक वेरिएबल. तो जब मैं इसको रन करूंगा तो मुझे अली ही नजर आएगा, अली ही मिलेगा. इसको कहते हैं स्नेक टाइप वेरिएबल या स्नेक वेरिएबल्स. तो ये बहुत कम यूटिलाइज होते हैं, इस ना प्रोग्रामर्स बहुत कम यूटिलाइज करते हैं इसको. अच्छा. लेकिन ज्यादातर आपको ना इस तरह का लिखा हुआ कुछ नहीं मिलेगा. ठीक है. अब हमारे पास एक वेरिएबल की कैटेगरी आती है जिसमें वेरिएबल 3 है और उनकी वैल्यू आ गई असाइन है, लाइक एक्स कॉमा वाई कॉमा जी इज इक्वल्स टू. मैं इन तीनों को अलग अलग वैल्यू असाइन कर देता हूँ, अली कॉमा अरसलान कॉमा. अच्छा, स्पेस डजंट मैटर इस पे, एक्स वाई जेड में खुद ही दिया आपने. एग्जैक्टली. स्पेस डजंट मैटर, स्पेस डजंट मैटर. और मैं यहाँ पे ये सिंपल ये कर देता हूँ और मैं प्रिंट कर देता हूँ सिंपल. प्रिंट में सिर्फ लिख देता हूँ एक्स और इनको अलग अलग प्रिंट कर लेता हूँ. प्रिंट में वाई और प्रिंट में ही जेड. तो मेरे पास ये तीनों नेम्स जो हैं वो डिस्प्ले में आ जाएंगे ऊपर नीचे, अली अरसलान एंड ताहिर. और अगर मैं इनको एक ही जगह पे कर देता हूँ, एक्स कॉमा वाई कॉमा सी, तो ये तीनों मुझे एक ही लाइन में नजर आएंगे.
अच्छा, इन केस में ये आपको फ्रीडम है कि आप एक्स को, आप यू डोंट हैव टू डिफाइन कि आपको कैरेक्टर असाइन करना है या डिजिट असाइन करना है नंबर, एग्जैक्टली वो आपको कोई बस लिखें और उसके सामने अपने से प्रिंट करना। एग्जैक्टली सो ये सम सॉर्ट ऑफ ओपन सोर्स से किसको इसी वजह से कहते हैं, हम एक यूटिलाइज करते थे वेरिएबल में, जब उसको असाइन करते थे वेरिएबल को, असाइन करते थे कोई वेरिएबल, तो मैं कहता हूँ जैसे एक्स इज इक्वल्स टू वाई इज इक्वल्स टू जेड इक्वल्स टू, इसकी कोई वैल्यू है, इसकी वैल्यू मैं असाइन कर देता हूँ अली एक वैल्यू है, तो मैं अगर सिंपल इसको प्रिंट जी भी करूंगा ना, तो मेरे पास अली ही नजर आएगा, मुझे मुझे अली ही नजर आएगा। और अगर मैं इसको प्रिंट, बल्कि अली से इसको चेंज करते हैं, इसका नाम आल्फा रख देते हैं ताकि थोड़ा सा डिफरेंस हो जाए, तो मुझे आल्फा नजर आएगा। इसकी मैं जेड की जगह अगर एक्स भी करता हूँ तब भी मुझे आल्फा नजर आएगा, तो इट मींस कि मैं तीनों वेरिएबल्स में से किसी एक को भी अगर यूटिलाइज करूंगा तो मुझे आल्फा ही नजर आएगा वेरिएबल की टाइप्स में। अच्छा एंड जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है उसको हम कहते हैं अनपैक कलेक्शन ऑफ कलेक्शंस ऑफ वेरिएबल्स। इसमें क्या होता है, इसमें सपोज करते हैं हम एक टेबल लेते हैं, टेबल इज इक्वल्स टू, मैं इसके आगे ना स्केयर ब्रैकेट यूज करता हूँ, स्केयर ब्रैकेट में मैं कोई वैल्यू असाइन कर देता हूँ आल्फा अली और ताहिर, मैंने तीन वैल्यूज ली इसमें अलग अलग, इन तीनों वैल्यूज को मैं एक्स y एंड z को असाइन कर देता हूँ, और ये बता देता हूँ कि तीनों वैल्यूज कहाँ से मेरे पास आ रही हैं, टेबल में से आ रही हैं, और मैं यहाँ पे प्रिंट कर देता हूँ इनमें से कोई एक वैल्यू, लाइक मैं x को प्रिंट कर देता हूँ जस्ट, तो मेरे पास आरफा यहाँ पे जो है वो प्रिंट होगा, क्योंकि आरफा ऑलरेडी ऊपर है, तो मैं इसके डबल ए कर देता हूँ, मैं खाली प्रिंट x करता हूँ तो मेरे पास सिर्फ आरफा प्रिंट होगा। सो तीन वेरिएबल्स में से जिसको भी मैं यहाँ पे प्रिंट करवाना चाहूँ बिटवीन द टेबल, इसको कहते हैं टेबल, जैसे हम सी में अरे यूज करते थे ना, इन सी वी यूज्ड अरे, इसमें अरे नहीं होती, इसको कहते हैं अनपैक कलेक्शंस। अच्छा, कलेक्शन ऑफ टेबल यू कैन से और वेरिएबल, सो इसमें ये दोनों टाइप्स आ जाती है अनपैक में ना, इसको कहते हैं अनपैक कलेक्शन ऑफ वेरिएबल्स। अब इसी चीज को थोड़ा सा मॉडिफाई करते हैं वो मॉडिफिकेशन क्या है, वो मॉडिफिकेशन कुछ इस तरह की है, मॉडिफिकेशन, अब मॉडिफिकेशन कुछ इस तरह की है कि मैं कहता हूं एक्स इज इक्वल्स टू, यहां पे मैं लिख लेता हूं ऑसम, और इसको प्रिंट करता हूं प्रिंट, इसको कहता हूं पाइथन, पाइथन इज, मैं यहां पे प्लस डाल के एक्स को कॉल कर देता हूं, तो मुझे एट द एंड मिलेगा पाइथन इज ऑसम, मुझे एट द एंड जो आउटपुट मिलेगी वो मिलेगी पाइथन इज ऑसम। इसको हम कहते हैं, इस चीज को कहा जाता है आउटपुट वेरिएबल्स, आउटपुट के लिए जो वेरिएबल को यूटिलाइज किया जाता है, सो दीज आर द आउटपुट वेरिएबल्स दैट वी यूज्ड एंड दैट वी आर यूजिंग। अब इसको दो तरीकों से लिखा जा सकता है, ये था हमारे पास फर्स्ट इम्प्लीमेंटेशन, मेरे पास अब सेकंड इम्प्लीमेंटेशन आती है, सेकंड इम्प्लीमेंटेशन में हम इन्हीं चीजों को दो जगह पे यूज करते हैं, लाइक एक्स इज इक्वल्स टू पाइथन इज, वाई इज इक्वल्स टू ए डब्ल्यू ए डब्ल्यू एस ओ एम, ऑसम, मैं इसको एक वेरिएबल में लेता हूँ z इज इक्वल्स टू एक्स एक्स अच्छा प्लस ठीक है, आप फिर आप z प्रिंट करा लोगे, ठीक है एग्जैक्टली, मैं प्रिंट में सिर्फ z लिख दूंगा, ठीक है, और मेरे पास जो इसकी अब आउटपुट आएगी वो आएगी पाइथन इज ऑसम, मेरे पास सेम आउटपुट आएगी।
सो इसके दो या तीन तरीके होते हैं जिनके थ्रू हम इसको प्रिंट कर सकते हैं. अब ठीक है, एक आता है कॉम्बिनेशन ऑफ वेरिएबल एंड नंबर. क्या ये प्रिंट होता है कि नहीं? तो x प्लस 5 y इज इक्वल्स टू ए डब्ल्यू ऑसम. एंड अगर मैं इसको प्रिंट करता हूं x प्लस y, तो इसका जो मेरे पास जो प्रिंट स्टेटमेंट जो आएगी ना, वो एरर देगी. हम इसको कभी भी इस तरह प्रिंट नहीं कर पाते. सी, उसने मुझे इस स्टेटमेंट का एक एरर दे दिया और उसने ये बताया कैन ओनली कैनकेटिनेट स्ट्रिंग नॉट इंटीजर विद स्ट्रिंग. ठीक है. सो अगर हमने इस तरह की चीज को यूटिलाइज करना हो कभी, तो उसके लिए हम यूटिलाइजेशन में हम डिफरेंट फंक्शंस बना लेते हैं. तो हमारे पास जो अगला कॉन्सेप्ट आता है वो आता है फंक्शन का, फंक्शनल कॉन्सेप्ट या फंक्शन कॉन्सेप्ट. मैं सेम वही लेता हूं, x इज इक्वल्स टू ए डब्ल्यू ऑसम. और मैं यहां पे फंक्शन, जब भी आपको def लिखा हुआ नजर आए, जब भी आपको def नजर आए, इट मींस के पाइथन में किसी ने फंक्शन लिखा हुआ. मैं इसका नाम रख देता हूं माय फन, मेरा फंक्शन है, ब्रैकेट्स सेमीकॉलन, सॉरी कॉलन. इसके बाद मैं यहाँ पे प्रिंट कर देता हूँ, प्रिंट पाइथन. वही सिंपल जैसे हमने लिखा था, पाइथन पाइथन इज प्लस एक्स. और इस फंक्शन को कॉल करने के लिए हमें वापस आना है बिल्कुल फंक्शन की लाइन में, और यहाँ पे मैं सिंपल लिखूंगा माय फंक्शन, माय फंक्शन, दैट्स इट. और जब मैं इसको रन करूंगा तो मेरा फंक्शन रन होके मुझे बताएगा कि पाइथन इज ऑसम. सो लिखा वही आएगा पाइथन इज ऑसम, लेकिन अब वो फंक्शन कॉल की वजह से आया. इसको कहते हैं फंक्शन कॉल. ठीक है, हम छोटा सा फंक्शन बना के फंक्शन को कॉल करते हैं. अब दो चीजें हैं इसमें, एक तो ये सिंपल यही फंक्शन कॉल थी. अगर इसी चीज को मैं दो स्टेप्स में करता हूं, अब दो स्टेप्स कैसे, ओके नाउ द सेकंड स्टेप. सेकंड स्टेप मेरा क्या होगा, एक्स इज इक्वल्स टू ऑसम, डिफाइन माय फंक्शन ब्रैकेट. और यहां पे एक और x की वैल्यू को डिफाइन कर देता हूं, x इज इक्वल्स टू फैन. और इस x को कॉल करता हूं प्रिंट में पाइथन इज प्लस x. अब ये विद इन द फंक्शन है, तो पहले x ये वाला कॉल होगा और मैं यहां पे कर दूंगा माय फंक्शन कॉल. और यहां पे दूसरा भी x कॉल कर लेता हूं, प्रिंट पाइथन इज प्लस एक्स. अब ये दोनों कुछ डिफरेंट तरह चलेंगी. पहले आपको नजर आएगा पाइथन इज अ फैन, पाइथन इज फैन एंड देन पाइथन इज ऑसम. सो फंक्शन कॉल के अंदर जब एक और सेम वेरिएबल को कॉल किया जाता है within the function, अगर हम same variable को call करते हैं, क्योंकि so within that function आपने x को fan define कराया हुआ, तो जब function call करोगे तो obviously वो आपको fan ही दिखाएगा. Exactly. और outside the function x is awesome. और within the function वो simple है. ठीक है. अब हम करते हैं global function. Global function भी एक और category है. उसके लिए हम define माई फंक्शन. अब इसके अंदर मैं ग्लोबल एक्स को डिफाइन कर दूंगा और मैं एक्स की वैल्यू को डिफाइन कर देता हूं एक्स इज इक्वल टू ऑसम. और यहां पे मैं अपने फंक्शन को कॉल कर लेता हूं माई फन
और यहां पे प्रिंट कर लेता हूं. पाइथन इज प्लस एक्स. अब जो यहां पे जो पाइथन प्लस एक्स के साथ जो कॉल हो रहा है वो विद इन द फंक्शन की वैल्यू उठाएगा, विद इन फंक्शन वैल्यू उठाएगा, क्योंकि एक्स को ग्लोबल कर दिया. अब एक्स जहां मर्जी आए सेम वैल्यू उठाएगा, जो विद इन द फंक्शन होगी और आउटसाइड द फंक्शन उसको कॉल किया जाएगा. सी पाइथन इज ऑसम. या इसको हम ऐसे भी यहाँ पे थोड़ा सा चेंज कर देते हैं, पाइथन वुड बी, तो यहाँ पे आएगा पाइथन वुड बी ऑसम. अच्छा मैं जरा डिफरेंस चेक करना चाह रहा हूँ. हमने पहले तो पहले वाले तो समझ आ गई, जो पिछला था तो इसमें ग्लोबल में हमने क्या कि डिफाइन फंक्शन किया है, एक्स ग्लोबल कर दिया. एक्स इज नहीं तो फिर तो मतलब फंक्शन कॉल, हमने फंक्शन कॉल किया तो फंक्शन के अंदर तो एक्स ऑसम है ही. एग्जैक्टली मैं आपको वो दोनों चीजों में दूसरा भी कर लेता हूं, जैसे हमने ऊपर किया था ना डिफरेंस, मैं इसमें भी आपको डिफरेंस बताता हूँ. ग्लोबल डिफरेंस में क्या डिफरेंस आता है, अगर वही सेम चीज x इज इक्वल्स टू, मैं यहाँ पे कॉल कर देता हूँ ऑसम और सिंपल ये चीज डिफाइन माय फन, और यहाँ पे x की वैल्यू को ग्लोबल में डिफाइन कर देता हूँ, ग्लोबल ऑफ x, और यहाँ पे x इज इक्वल्स टू रख देता हूँ फन, और यहाँ पे बाहर आके माय फंक्शन को कॉल कर लेता हूँ और प्रिंट कर देता हूँ पाइथन is plus x. Now you will see the difference. Python is fun nazar aayega. Ab awesome nazar nahi aayega. Achha. Aapko Python fun hi nazar aayega. अच्छा माय फंक्शन में आपको, अच्छा माय फंक्शन हमें कुछ नहीं कर रहे, सिर्फ एक्स को हम ग्लोबल डिफाइन कर रहे हैं. एग्जैक्टली. सो ग्लोबल से होता ही है कि जो पाइथन की अगर कोई पहले वाली वैल्यू है ओवरराइड कर देते, वो ओवरराइड हो जाती है, वो दोबारा आपको नीचे नजर नहीं आती. ठीक है, क्योंकि ये आपको रिस्ट्रिक्ट नहीं करता उस डेटा कैटेगरी में ना, डेटा टाइप की कैटेगरी में ये रिस्ट्रिक्शन आपको नहीं लगाता. इसका यूज क्या है, मतलब यूज अगर आप जब आप प्रैक्टिकल कर रहे हो? ये प्रैक्टिकली हमारे पास स्क्रिप्टिंग में यूज होता है. मैं आपको ना इसकी एक रियल टाइम एक एग्जांपल दिखाता हूँ, जो मेरे पास कुछ मेरे पुराने प्रोजेक्ट्स है ना. अब जैसे मेरे पास ये ई लर्निंग एक वेबसाइट है, सो ई लर्निंग वेबसाइट जो हम करवा रहे होते हैं यहाँ पे, जो भी चीज हम बना रहे होते हैं, तो एक्चुअली ये जो सारे डिफरेंट फंक्शंस हैं, ये देखें ये फंक्शंस ही यहाँ पे एक्चुअली कॉल हो रहे होते हैं. सो रियल टाइम प्रोग्रामिंग में we are going to make such type of things. So ये आपके ना पूरी कैटेगरी एक बनती है, ये आपके क्लासेस होती है, क्लासेस में फंक्शन कॉल होते हैं, और उन फंक्शंस के थ्रू फिर हम उसको आगे फर्दर प्रमोट कर रहे होते हैं कि what we have. So actually आपकी फंक्शन फिर क्लास और फिर ये सारी चीजें इसमें एक कॉलिंग में चलती हैं. So it's a huge, you can say a platform through which you can make anything that you desire. So Python based scripting का काम, scripting तो basically you are doing something automatically. Exactly. Task को आपकी कोशिश है script run करके automatically कुछ schedule होके run हो जाए. Exactly. जो हम इसके अलावा अगर इसके अलावा क्या Python किस चीज के लिए use करते हैं? Python use होती है game development में, Python use होती है machine learning, artificial intelligence में, Python use होती है website design में. So you can say कि Python is all over the things. अच्छा, क्योंकि पहले तो हम visual करते थे ना उसके लिए, front end के लिए visual कर लिया और exactly. नहीं, Python में front end इसका खुद ही design होता है. इसके जो website के लिए हम जो Python design करते हैं, उसकी भी मैं आपको programming दिखा देता हूँ. Some sort of end to end पूरी website आप design कर. Exactly. So you can design anything. ये Python की front end है. So we can make front end using this kind of script. लिखते हम HTML ही हैं, लेकिन HTML को लिखने का सिर्फ इसमें थोड़ा सा तरीका different है. So जब हम further आगे जाते जाएंगे, so we are going to work over it day by day. तो ये तो हम थे function variables, global variables, function calling, और उनको different तरह से उनको call करना.
अब इसमें जो हम चीज करते हैं वो है कॉम्प्लेक्स वेरिएबल्स. कॉम्प्लेक्स वेरिएबल्स क्या होते हैं? कॉम्प्लेक्स वेरिएबल्स में हम क्या करते हैं, मैं सिंपल x लेता हूँ, x इज इक्वल्स टू 1 और z इज इक्वल्स टू ले लेता हूँ 1 प्लस j. अच्छा, इसमें हम सिर्फ j लेंगे, j के अलावा कोई और वेरिएबल को यूज नहीं कर सकते कॉम्प्लेक्स वेरिएबल्स में. J के अलावा इसमें कोई और यूटिलाइज नहीं कर सकते. उसकी रीजन, कॉम्प्लेक्स वेरिएबल्स में j इज द ओनली वेरिएबल दैट was calculated with the help of programming. That was calculated. अब j के variables को calculate नहीं किया जाता. तो before the time जब ये programming languages बन रही थी, तो complex variables वालों ने j को as a complex variable में consider कर लिया. Like अगर मैं a is equals to करता हूँ float of x, तो मेरे पास a की जो value है वो float में convert हो जाएगी. But अगर मुझे z करना है, like अगर मुझे कॉम्प्लेक्स वेरिएबल में किसी चीज को चेंज करना है कि मेरे पास x है, x को अगर मैं कॉम्प्लेक्स में चेंज करूंगा तो कैसे बनेगा? सो मैं कहता हूँ c इज इक्वल्स टू कॉम्प्लेक्स ऑफ x. तो मेरे पास 1j ही नजर आएगा मुझे. मैं अगर इसको 2 कर देता हूँ तो मुझे कॉम्प्लेक्स में 2j नजर आएगा. सॉरी, इसको प्रिंट करवाना तो भूल गया. प्रिंट ए एंड प्रिंट सी. तो मेरे पास ये इस तरह इसकी जो आउटपुट है वो नजर आएगी, 2 प्लस 0 जे और 2. सो अगर मैं इधर z कर देता हूं तो z की जो वैल्यू है हमें डायरेक्ट वही नजर आएगी 1j. लेकिन अगर मैं इसके साथ कोई और वेरिएबल लिखता हूं, k कर देता हूं, तो मेरे पास ये एरर जनरेट हो जाएगा. सो k इज नॉट अ कॉम्प्लेक्स नंबर. कोई और वेरिएबल नहीं लिखा जा सकता, इसके सिर्फ j लिखा जा सकता है. सो j इज द ओनली वेरिएबल दैट इज यूज्ड एज अ कॉम्प्लेक्स. ठीक है, ये एक्चुअली प्रोग्रामर्स को धोखा देने के लिए हम ये j के वेरिएबल्स को यूज करते हैं. अच्छा, यू कैन से कि हम किसी को मैनिपुलेट करना हो इन प्रोग्रामिंग, तो हम j वेरिएबल्स को यूटिलाइज करते हैं. अब जो इसका आज का जो लास्ट पार्ट है वो हम करते हैं रैंडम वेरिएबल्स. सो इंपोर्ट, मैं इसको एक सेकंड देख रहा हूं कि हमने ए पहले हमने प्रिंट ए कराया, ए इज फ्लोट ऑफ 2, तो ठीक है वो आ गया. फिर हमने प्रिंट, आपने प्रिंट सी कराया था ना बाद में, प्रिंट जी कराया था, तो वो 1j. ओके, अगर मैं प्रिंट यहां पे सी करता हूं तो मेरे पास वो ऐड कर देगा एज अ कॉम्प्लेक्स नंबर. सॉरी, इसमें अगर मैं सी करता हूँ तो मेरे पास वो कॉम्प्लेक्स नंबर एक ऐड कर देगा, 2 प्लस 0j. तो वो कॉम्प्लेक्स नंबर को इसके साथ अटैच कर देगा. अच्छा, कंकैटिनेट कर देगा. अच्छा, सो इट्स अ कॉम्बिनेशन ऑफ टू वेरिएबल्स इन अ कॉम्प्लेक्स वन. तो इसी चीज को अगर हम रेंडमाइज वेरिएबल में करते हैं, जो कि वेरिएबल के कॉन्सेप्ट का लास्ट पार्ट होता है, जिसको कहते हैं रेंडम वेरिएबल की सिलेक्शन या रेंडम वेरिएबल्स कंप्यूटर जब खुद उठाता है, तो इसके लिए सिर्फ हमें करना ये होता है कि इंपोर्ट रेंडम. अब हम जो ऑटोमेशन वाली साइड पे आ रहे हैं, इम्पोर्ट रेंडम प्रिंट रेंडम डॉट randd रैंड. रैंड भी रेंडम की एक टाइप है. रैंडम रेंज, रैंड रेंज, रेंज हमने कब कहां तक इसको प्रिंट करवाना है. तो मैं इसको स्टार्ट करता हूं कि 1 से स्टार्ट करो और 20 के बीच में रैंडम वेरिएबल्स को प्रिंट कर दो. 1 से स्टार्ट करो रैंडम रेंज को और 20 के बीच में उनको प्रिंट कर दो. तो इट विल शो लाइक 11. 11 इज द ओनली वेरिएबल दैट इज प्रिंटेड यूजिंग द रैंडम. हम जब भी इसको दोबारा करेंगे तो वेरिएबल्स यहाँ पे चेंज हो जाएंगे. अब 18 आ गया, दोबारा फिर रन करेंगे 14 हो जाएगा. तो 1 से 20 के बीच में जितने भी वेरिएबल्स होंगे उनमें से कोई एक रैंडम नंबर जो है वो वहां पे प्रिंट हो जाएगा. अच्छा, और इसका यूज हम तब करते हैं जब हमने ना स्क्रिप्ट में से किसी चीज को डिलीट करवाना हो रैंडमली, तो फिर हम इस रैंडम वेरिएबल्स को यूज करते हैं. अदरवाइज इसका कोई रियल टाइम प्रोग्रामिंग में
डेटा एंट्री के अंदर इसका यूज होता है, जिसको आप कहते हैं ना, जब लोग डेटा एंट्री के सॉफ्टवेयर्स बना रहे होते हैं, हम उनमें इन चीजों को यूटिलाइज करते हैं, अदरवाइज ये चीजें यूटिलाइज नहीं होती। सो दिस इज द थिंग जो आपको साथ साथ थोड़ी सी आप प्रैक्टिस भी कर लेंगे, सो आपका ना ग्रिप जो है वो तेजी से होना शुरू हो जाएगी। ठीक है, तो ये बस है एक चीज के आप इसको ग्रिप करें, फिर जहां पे अगर आपको कोई डिफिकल्टी आती है डू लेट मी नो कि क्या चीज कैसे आ रही है। ठीक है ठीक है चलें, ठीक है मैं आपको इसके मुझे प्रैक्टिस अब मुझे प्रैक्टिस के लिए व्हाट डू आई नीड टू प्रैक्टिस इन देयर आज की क्या मोस्ट क्रिटिकल चीज क्या है जो के फंक्शंस और कॉम्प्लेक्स वेरिएबल और ये जो बिल्कुल बेसिक वेरिएबल्स सही है। तो अगर आपने जो प्रॉपर जो प्रैक्टिस करनी है वो है फंक्शंस जो हमें एक्चुअली रिक्वायर्ड होंगे आगे जाके। ठीक है, तो आपकी बेसिक एक्चुअली प्रैक्टिस इस पे होनी चाहिए, ग्रिप होनी चाहिए थोड़ी सी। ठीक है ये मैं कर लेता हूँ। चलें, मैं जरा हर चीज को ना उसको प्रैक्टिकल उससे थिंक करने की कोशिश कर रहा हूँ कि अच्छा क्या किस तरह से यूज होता है। ऑब्वियसली लैंग्वेज तो इतनी बड़ी चीज होती है, यू कैन ओनली इट टेक्स इयर्स टू मास्टर समथिंग एग्जैक्टली, लेकिन ऑब्वियसली एक लिंक